ये पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, अब समय आ गया है भारत को मैन्युफैक्चर का हब बनाने का। अभी के अभी। अब समय आ गया है चीन का संयुक्त राष्ट्र में से वीटो पावर छीनने का। अभी के अभी। तो ध्यान से सुनिए ये वीडियो। कोरोना वायरस चीन के वुहान से सारी दुनिया में फैल जाता है, लेकिन बीजिंग और शंघाई तक नहीं पहुंच पाता, ऐसा क्यों? वुहान से बीजिंग और शंघाई की दूरी सिर्फ 800 और 1200 किलोमीटर है, जबकि वुहान से स्पेन की दूरी 5800 किलोमीटर, इटली की दूरी 8600 किलोमीटर और अमेरिका की दूरी 11800 किलोमीटर दूर है। कोरोना वायरस से मौत की तुलना, कोरोना वायरस से शंघाई में मौत 0, कोरोना वायरस से बीजिंग में मौत 0, कोरोना वायरस से इटली में मौत 10700, कोरोना वायरस से स्पेन में मौत 7340, कोरोना वायरस से अमेरिका में मौत 2500। क्यों चीन में कोरोना वायरस से पीड़ितों के ठीक होने का दर अमेरिका से बेहतर है, जबकि अमेरिका का हेल्थ सेक्टर चीन से बहुत बेहतर है। चीन में कुल रोगी 81,470, उसमें ठीक हुए 75,700, ठीक होने का प्रतिशत 91%, जबकि अमेरिका में कुल रोगी है 1,45,000 और ठीक हुए 4,575, ठीक होने का प्रतिशत है 3.2। वही इटली की बात करें तो 12%। ऐसे में कुछ सवाल है जो चीन दुनिया को तबाह करने की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला सवाल, जब सारी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी बन चुका है तो चीन की राजधानी इससे क्यों बची रह गई? दूसरा सवाल, चीन ने दुनिया से इस वायरस को क्यों छुपाया? तीसरा सवाल, चीन में शुरुआत में मिले कोरोना वायरस के सैंपल को क्यों नष्ट किया गया? चौथा सवाल, चीन के जिस डॉक्टर ने इस वायरस का खुलासा किया था उसे गिरफ्तार क्यों किया गया? उस डॉक्टर की मौत कोरोना वायरस से हुई या चीन ने मार डाला? पांचवा सवाल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के डायरेक्टर जनरल ने चीन का साथ क्यों दिया? चीन की हां में हां मिलाते हुए WHO ने दुनिया से कहा था कि यह बीमारी इंसान से इंसान पर नहीं फैलती। छठा सवाल, क्यों फरवरी 2020 तक WHO ने अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स पर रोक नहीं लगाई? क्या चीन और WHO इस वायरस को पूरी दुनिया में फैला देना चाहते थे? सातवां सवाल, वुहान से 50 लाख लोगों को अंतरराष्ट्रीय सफर क्यों करने दिया? आठवां सवाल, फरवरी में इटली में कोरोना वायरस के कोई केस नहीं थे, क्यों इटली के लोगों को चीनियों से गले लगाने के लिए मजबूर किया गया? नौवां सवाल, स्पेन ने चीन के सभी मेडिकल किट को वापस भिजवा दिया है, क्यों चीन अब दुनिया को घटिया मेडिकल किट भिजवा रहा है? इन 9 सवाल के पीछे 9 जवाब भी छिपे हुए हैं। चीन ने ये बायोलॉजिकल हथियार बनाया है। चीन ने अभी तक दुनिया से कोरोना वायरस का एंटीडोट छुपा के रखा है। जब दुनिया पूरी तरह से मजबूर हो जाए तब चीन इसका इलाज बताएगा, तब तक चीन का पूरी दुनिया में राज हो चुका होगा। तो अगर आप मानते हैं कि चीन को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में घसीटना चाहिए तो कमेंट में यस लिखिए। अभी के अभी। अब सोचना हम भारतवासियों को है कि ये चीन जिसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन किया है, आइसोलेट किया है, जिसकी वजह से मैं, आप, हमारे किसान भाई, मजदूर सबको लॉकडाउन होना पड़ा है, तो चलो अब हम ही इन चीन को लॉकडाउन कर दे, अभी के अभी, आइसोलेट कर दे, अभी के अभी। अगर आप मानते हैं कि अब सब भारत में मैन्युफैक्चर होना चाहिए, भारत को मैन्युफैक्चर का हब बनाना चाहिए, तो ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, अभी के अभी, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी।